नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कॉलम का अगर आप स्ट्रिंग करना चाह रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे स्ट्रिंग करना है, जिससे क्या है कि कुछ भी तरह का मिस्टेक ना हो और आपका कॉलम जो है एकदम एक्यूरेट साइज में और एक्यूरेट आपका जो है प्लम बॉब में हो और साथ ही सपोर्ट भी पूरी अच्छी तरह से हो। तो चलते हैं डायरेक्ट साइट और देखते हैं कि भाई कॉलम का स्ट्रिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और पहले क्या क्या स्टेप लेना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि जब भी कॉलम का स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग करने से पहले हमें जो है कॉलम का स्टार्टर कास्टिंग करना पड़ता है, जिसको अगर आप बात करें 4 इंची का हो चाहे 5 इंची का कॉलम का जो स्टार्टर सेंटर लाइन मिला करके कॉलम का आप स्टार्टर कास्टिंग कर देते। देखिए स्टार्टर कास्टिंग करने से क्या होता है कि भाई कि आपका बोर्ड जो लगाएंगे वो आपका इधर उधर नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट शेप में, कम उसका बेस अगर शेप में बन गया तो आपको जो है प्लम बॉब बनाना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर इसमें जो है ये हो जाएगा स्ट्रिंग लगाने से पहले आपको इसमें जो है स्पंज फोम जिसको बोलते हैं उसको यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है कि भाई पूरा चिपक के रहेगा, उस हो करके आपका सलड़ी जो है सीमेंट सलड़ी बाहर नहीं निकलेगा जिस समय आप लोग जो है कंक्रीटिंग करेंगे। और हमें ये भी ध्यान देना है कि स्ट्रिंग बोर्ड में स्ट्रिंग ऑयल आता है वो अलग से आता है, नहीं तो बहुत लोग क्या करता है जला हुआ मोबिल भी यूज़ करते हैं, लेकिन जला हुआ मोबिल यूज़ करने से क्या है कि भाई आपका कॉलम का जो है जैसे आप प्लास्टर करेंगे उसमें वो चीज़ चिपकेगा ही नहीं चिपकेगा। अब आपके मन में ख्याल होगा स्ट्रिंग ऑयल का क्या काम है। देखिए जनरली स्ट्रिंग ऑयल का काम क्या होता है कि जैसे आप कंक्रीटिंग करेंगे ना तो उस समय आपका बोर्ड जो है कंक्रीट जैसे हम डिस्ट्रिंग करेंगे बोर्ड से कंक्रीट चिपक के नहीं रहेगा, नहीं तो फिर क्या होता है कि भाई पूरा ऐसा चिपक जाता है कि बोर्ड का जो है पहला लेयर कंक्रीट में चिपक के रह जाएगा और उसको उखाड़ के जैसा उखड़ जाता है। अब यहाँ देखिए तो बोर्ड लगाएं, 4 बोर्ड लगाना है तो पहला बोर्ड जो लगाएंगे और दूसरा बोर्ड का उसका जो है उससे जो है उसको पूरे अच्छी तरीके से कांटी बाइंडिंग रड से पूरा टाई कर देंगे, ठीक है। और हम आपको जैसे पता भी रहते स्ट्रिंग ऑयल को लेकर के इस बोर्ड पर स्ट्रिंग ऑयल लगा हुआ जो कि आपका डिसट्रिंग में बहुत ही मदद करेगा और साथ ही जो है आप जब डिसट्रिंग करेंगे तो कंक्रीट का कोई भी एक पार्ट जो है वो खींचेगा नहीं, ठीक है। अब ये हो गया बेस, इसका बेस लगा देना है। तो देखिए अब क्या है कि दोनों बोर्ड जो है इधर उधर भागे नहीं, इसके लिए दोनों बोर्ड में कांटी मार करके उसको पूरे अच्छी तरीके से टाई कर देना, बांध देना, ठीक है। ओनली सपोर्ट के लिए ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन क्या है कि बस वो थोड़ा ट्राई करके भाई इधर उधर भागे नहीं, उसको धीरे धीरे इसमें जो है आपका चारों साइड से एंगल लगा करके पूरा टाई करना है पूरा स्क्वायर शेप में, फिर उसके बाद जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब आएगा नेक्स्ट इसका जो है बोर्ड, टोटल यहाँ पर 4 बोर्ड लगाना, 2 बोर्ड लग चुका है, चौथा बोर्ड भी अब लगाने वाले हैं। और चौथा बोर्ड जब लगाएंगे उसको जो है जैसे क्या है कि भाई कि पहले जो है इसको सी शेप में बना देना, पहले उस साइड लगाए फिर इस साइड लगाए फिर उस साइड लगाएंगे, प्रोसेस सिर्फ देखते जाइए क्योंकि ऐसा ना इधर उधर लगा दिए तो पहले सी शेप में हमें इसको जो लगाना है, ठीक है। लगाते समय आपको जब पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है कि भाई कोई भी तरह का जो है मिस्टेक ना हो कि किसी के ऊपर गिरे नहीं, ठीक है। अब ये इस साइड से मतलब कि ये सब काम तभी होगा जिस समय आपका कॉलम का सरिया अच्छी तरह से बांधा हो जाए और साथ ही जो है आपका रिंग भी जो है अच्छी तरीके से बांधा हो जाए, उसके बाद ही जो है आप इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। ये हो गया तो इसी प्रोसेस से हमें जो है आगे बढ़ना है। हम इसका भी और स्टेप भी दिखाएंगे कि भाई ये कैसे कैसे जो है इसमें आगे हम चल सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से फिर वही प्रोसेस आपका इस साइड में भी जो है कांटी मार करके बाइंडिंग रेड से बेस पोजीशन जो है पूरा अच्छी तरीके से टाई कर देना है, बांध देना है, जिससे क्या है कि भाई बोर्ड इधर उधर ना हिले, ठीक है। और इसके ऊपर पार्ट में अगर कवर जैसे कवर के लिए आप चारों साइड से बटन जो है 50 mm का चिपका सकते हैं, जिससे क्या है कि भाई कि आपका बटन का भी वो काम करेगा और कवर ब्लॉक का भी काम करेगा और पूरी अच्छी तरीके से पूरा शेप में भी रहेगा आपका और सरिया को जो है प्रॉपर कवर दे देगा, ठीक है। ये प्रोसेस था। अब इसमें इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि भाई कि इसका बेस लेके चलते, सबसे पहले बेस, क्योंकि जिस शेप और साइज़ का आपका है उस हिसाब से तो आपने बोर्ड तो बनाया ही है स्ट्रिंग बोर्ड, उस हिसाब से आपको जो है आप इसमें क्या करेंगे एंगल में होल करके, चाहे बहुत लोग जो है पाइप क्लैंप भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड और चूड़ी इसको जो है नट जिस टाइप का जिसको आप देख रहे हैं उसको लगा करके चारों साइड से
मतलब दो साइड से पहले इधर टाइट करना, दूसरे साइड मतलब चारों साइड से अच्छी तरीके से जो है पूरा टाइट कर देना, जिससे क्या है कि भाई कि कंक्रीट अगर इसमें पोरिंग करें तो ये शटरिंग बोर्ड जो है भागे नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे एंगल, इसको तो होम इसको जो है कंस्ट्रक्शन साइट में बनाया गया, एंगल काट लिया गया, एंगल काटने के बाद जो है उसमें होल कर दिया गया, होल में जो आपका जो है थ्रेड जो है वो आपको लगाया गया, और उसमें जो है आपका इसको बहुत लोग जो है चूड़ी बोलते हैं, जैसे टाइट नट के तरह जो आपको दिख रहा है उसको जो है लगा करके पूरा टाइट किया गया। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पे देख भी रहे बहुत ही आसान तरीके से जो है इसको करना। तो इसके देखिए बोर्ड फिक्स कर दिए, फिर अभी भी ये पूरा अच्छी तरह से साहुल में नहीं है, प्लम बॉम्ब में नहीं अभी किया, क्योंकि इसको प्लम बॉम्ब मिलाने के लिए अभी जो है पहले सपोर्ट देंगे चारों साइड से, तब जा करके जिधर से सपोर्ट मांग रहा है प्लम बॉम्ब मिलाते जाएंगे उसके बाद करेंगे, तो वही हम दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई कि किस हिसाब से जिसको जो है उसको चूड़ी को जो है टाइट किया जा रहा है, और उसको जो है आप देख ही रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो हम चलते हैं कि भाई कि ये चीज़ हो जाने के बाद अब प्लम बॉब मिला, प्लम मतलब कि मेरा पूरा 90 डिग्री में हो, कहीं कॉलम झुका हुआ ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जो है सपोर्ट हमें देना, जिस जिधर से कॉलम का साइज आपका बड़ा उधर एक सपोर्ट, जिधर छोटा साइज है उसका एक एक, जिधर से बड़ा उधर दो सपोर्ट, जिधर छोटा साइज उसे एक एक सपोर्ट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तो सपोर्ट इधर से दिया गया, और सपोर्ट मिला कर जो है पहले प्लम बॉब चेक करना भाई ऊपर में कितना है जितना आ रहा है मेजरमेंट, नीचे उतना जो बराबर होना चाहिए तो आपका प्लम बॉब पूरा सही हो जाएगा। जिधर मांग रहा है इधर मांग रहा है तो उधर आप टाइट कीजिए उस साइड करके, और जिधर जिस साइड भी आपका प्लम बॉब मांग रहा है आपको उस साइड जो है थ्रेड को जो है टाइट करना है, जिससे क्या है कि भाई आपका जो है पूरा एकदम एक्यूरेट प्लम बॉब रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं कि भाई कि जैसे कि ये चीज़ अभी काम हो रहा है, लेकिन एक और हम आपको दिखाते हैं कि भाई कि ये जो है पूरी तरीके से जो है प्लम बॉब में कर दिया गया है। ठीक है, ये कॉलम आपका प्लम बॉब में है और पूरा एकदम सीधा है आपका, और यहाँ पे आपको जो है कॉलम का टॉप में डायगोनल भी मिलाना है। अगर आप दो साइड से डायगोनल मिला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि मेरा कॉलम का साइज सही है या नहीं। इसी को हम लोग जो प्लम बॉब बोलते हैं। प्लम बॉब जो है आप जैसे ऊपर में सरिया लगा दिए, नीचे में कुछ वेटेड टाइप का बांध दिए, ऊपर का मेजरमेंट देख लिए कितना है, अगर मान लो 200 mm है, नीचे भी 200 mm है, तो मतलब वो जो है कॉलम आपका पूरा एकदम सीधा है। ये तरीका है सिर्फ देखिए आसान तरीके से, जब भी अगर हमसे बात करें कि भाई कि और यहाँ ये आपका कॉलम पूरा रेडी हो गया कास्टिंग करने के लिए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि भाई कि जब शटरिंग और सपोर्ट कॉलम का शटरिंग की बात करें तो पूरा शटरिंग अगर रेडी हो जाए तो आप इसमें यहाँ पे जो है ये कास्टिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर हम कास्टिंग की बात करें तो इसके बगल में आप जो है एक स्केप फोल्डिंग लगा दीजिए, स्केप फोल्डिंग लगा करके आप जो है कास्टिंग आराम, जैसे कि उधर आप देख भी रहे हैं स्केप फोल्डिंग लगा करके कास्टिंग चल रहा है एकदम पूरा सिंपल प्रोसेस में। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, आप इस अगर आप जानना चाहते हैं क्या क्या जिसमें चेक करना है, तो इस वीडियो के जरिए आपको जो है पता चल ही गया होगा कि हमें क्या क्या चेक करना होता है, और कॉलम का शटरिंग एकदम सिंसियर तरीके से करना है कि भाई पूरी अच्छी तरीके से शटरिंग करना है, जिससे क्या है कि कोई भी तरह का अगर हम यहाँ 10 mm भी अगर आपका ये साहुल नहीं मिल रहा, प्लम बॉब नहीं मिल रहा, तो भाई वो कॉलम 10 mm आपका झुका हुआ दिखेगा कोई भी साइड की अगर हम बात करें। तो दोस्तों इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।